हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे पहले मैं स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो हमें करना होता है, हमें यहाँ पर एक ऊपर वाइट प्लस क्रॉस बनाना होता है। तो चलिए बता देता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक ये पीस लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वाइट और नीचे ये रेड कलर है, तो रेड से मैच होने वाला है, यहाँ पर भी रेड होना चाहिए। तो ये कलर कौन सा है? वाइट और ये ऑरेंज। तो इसे पहले ऑरेंज के पास लेके आ जाएंगे, नीचे ले लिए। तो देखिए अब ये यहाँ पर हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन में आप ऐसे इसे सिंपली मैच नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको इसे क्यूब को राइट या लेफ्ट किसी भी तरह रोटेट करना होगा। मैं राइट में करता हूँ। और फिर ऐसे नीचे करने के बाद इस तरह नीचे लेंगे और फिर देखिए ये यहाँ से मैच हो सकता है, तो इसे मैच कर देंगे। फिर सिंपली ऊपर ले लेंगे। देखिए एक पीस लग चुका है। अब सेकंड पीस ये आ जाता है। यहाँ पर कौन सा कलर है? रेड और वाइट। तो रेड को रेड से मैच करेंगे। तो देखिए ये पहले से ही मैच हो चुका है, तो इसे कर देंगे मैच। अब ये कलर अब देख सकते हैं, ये भी पहले से ही वैसा है, तो इसे मैच कर देंगे। ये भी लग चुका है। अब इसे भी इस पे लगाएंगे और ये भी क्रॉस बन चुका है। तो यहाँ पर क्रॉस बनने के बाद आपका सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है कॉर्नर्स अरेंज करना। देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर अरेंज है। ऐसे ही हमें सारे करके फर्स्ट लेयर बनानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से। तो देखिए ये कॉर्नर का कलर कौन सा है? रेड ग्रीन वाइट। तो रेड ग्रीन वाइट कहाँ है? रेड ग्रीन वाइट। तो इसे उसके सामने ले आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो सिंपली 4 मूव लगाने हो गए आपको, वो कि बहुत ही सिंपल है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। एक सीक्वेंस के हिसाब इसे करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बता देता हूँ। 1 2 3 4, ये नहीं लगा आपको फिर से लगाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका ये पीस जब तक यहाँ पर नहीं अरेंज हो जाता सही तरह से, आपको लगाना होगा बार बार। तो फिर लगाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये पीस लग चुका है। अब ये भी देख लेते हैं, इसे यहाँ पर लगाना है। ये कलर देख लीजिए, वाइट रेड ब्लू, वाइट रेड ब्लू। तो यहाँ पर भी हमें वही 4 मूव लगाने होंगे। चलिए बता देता हूँ। 1 2 3 4, देखिए ये भी लग चुका है। अब आपको एक ऐसा केस मिलेगा कि ये पीस यहाँ पर लगा हुआ है मगर सही तरीके से अरेंज नहीं है, तो इसे पहले हमें बाहर लाना होगा। वो कैसे लाते हैं आपको बता देता हूँ। सो इसे बाहर कैसे लाएंगे बता देता हूँ। हमें इस वाली लेयर को ऊपर लेना है, फिर इसे आगे, फिर ये नीचे। तो देखिए ये बाहर आ चुका है। तो इसे इस कलर के बीच में ले आ जाएंगे जहाँ पर लगना है। तो फिर वही 4 मूव लगाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये पीस लग चुका है। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर बन चुकी है कम्प्लीट, फर्स्ट लेयर हो चुकी है कम्प्लीट। तो सेकंड लेयर की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये एजेस लगाने होंगे। जैसे इसे ले लेता हूँ मैं, रेड और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन जाएगा यहाँ। तो पहले रेड को रेड से मैच करते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो कलर ये तरफ है उसे नीचे वाले से मैच करना होगा, नहीं तो आप इस तरह करोगे तो आपका नहीं होगा। तो पहले मैं इसे मैच कर देता हूँ। अब ये कलर जो जाएगा यहाँ पर, तो इसे क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो अपोजिट में ले लेता हूँ मैं। और फिर जो फर्स्ट लेयर में हमने 4 मूव्स लगाए थे वही लगाना है। तो अपोजिट में ले लिया। 1 2 3 4। अब जो कि ये नहीं लगा, तो क्यूब को आपको इस तरह रोटेट करना है और फिर लेफ्ट तरफ से वो 4 मूव लगाने होंगे। 1 2 3 4, देखिए ये पीस सिंपली लग चुका है। अब दूसरे पीस की तरफ चलते। ये रहा, ये है ऑरेंज ग्रीन। तो ये पीस जाएगा यहाँ पर। तो इसे इस तरफ अपोजिट में लेंगे और फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तरफ लेंगे तो यहाँ से 4 मूव, ये तरफ लेंगे तो यहाँ से।
तो इसे यहाँ आएगा तो यहाँ लेंगे, फिर ये तरफ से फोर मूव लगाएंगे, 1 2 3 4। अब क्यूब को इस तरह करेंगे, फिर वही फोर मूव राइट तरफ से लगाएंगे, 1 2 3 4। अब हमारे जो कि ये दो पीस लग चुके, अब ये दो बाकी है। तो इसमें आपको एक ये वाली सिचुएशन मिल सकती है, इसमें जो कि आपका ये पीस लगा होगा सही जगह पे, मगर फ्लिप होके लगा हुआ होगा। इसके आपको दो स्टेप हैं, मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूँ। आपको वही फोर मूव लगाने हो गए 3 times, 1 2 3 4, 1 time हो गया, 1 2 3 4, 2nd time हो गया, 1 2 3 4। अब देखिए ये एक पैर मैच हो चुका है, तो इसे हम सिंपली बाहर ले जाएंगे और फिर इसे सिंपली ये वाइट कलर यहाँ जाएगा, तो इसे इस तरफ लेंगे और इसे ऊपर, इसे मैच नीचे। आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर इजी वाला लगा देता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये कोई भी एक पीस इसे 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 यहाँ पर डालेंगे और इसे बाहर निकालेंगे और फिर इसे सही वे में लगा देंगे। तो चलिए बता देता हूँ, तो मैं इस पीस को यहाँ पर डालता हूँ, तो इसे यहाँ डालना है तो अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे और फिर इस तरफ से फोर मूव लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर क्यूब को इस तरह पकड़ेंगे और फिर 1 2 3 4। देखिए ये पीस बाहर आ चुका है, इसे सही वे में लगा देंगे, पहले मैच किया फिर अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, फिर से लेफ्ट तरफ से 1 2 3 4। अब क्यूब को इस तरह लेंगे और फिर करेंगे 1 2 3 4। देखिए हमारी सेकंड लेयर भी जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड लेयर में आपको थ्री केसेस मिलेंगे। जो फर्स्ट केस होता है वो होता है ये एक डॉट, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक ऐसा एल मिलेगा और फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको लाइन मिलेगी, फिर उसे सॉल्व करने के बाद आपको क्रॉस मिल जाएगा। तो हमें लास्ट लेयर में भी एक क्रॉस, येल्लो क्रॉस बनाना होता है क्योंकि व्हाइट के बॉटम में येल्लो होता है। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए हमें, अगर आपका डॉट है तो आप रैंडमली कोई भी तरफ से पकड़ सकते हो, तो मैं इस तरफ से पकड़ता हूँ और फिर जो ये वाली लेयर है, ये वाली, इसे हम क्लॉकवाइज लेंगे। देखिए ऐसा था, क्लॉकवाइज लिया और फिर वही फोर मूव लगाएंगे, 1 2 3 4, और फिर ये ऐसा है, इसे अंडू करके रिकवर कर देंगे। तो देखिए हमारा एल बन चुका है। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एल में आपको एक पीस राइट में और एक पीस आपके सामने, अगर आप ऐसे 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 पकड़ोगे तो आपका नहीं बनेगा। आपको एक ध्यान रखना है कि आपका ऐसा ही हो और फिर वही सेम करेंगे इसे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, और फिर अंडू करेंगे और देखिए आप, हमारी लाइन बन चुकी है। तो अब इसमें आपको लाइन को ऐसा नहीं पकड़ना है, ख़राब नहीं करना, आपको इस तरह पकड़े यहाँ से या यहाँ से, किसी भी तरह से। मैं यहाँ से लेता हूँ और फिर वही करेंगे लाइन को यहाँ ऐसी रख के, तो इसे क्लॉकवाइज, फिर 1 2 3 4, और फिर अंडू कर देंगे। देखिए हमारा क्रॉस बन चुका है। अब जो इसमें आपको करना होगा वो है आपको एजेस मैच करने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ग्रीन पीस मैच है, इसके साथ और कोई नहीं, और रोटेट करेंगे, कोई नहीं है, और फिर रोटेट करेंगे, फिर से नहीं मिला। अब एक और बार देखिए, हमारे ये दो पीस हमें अरेंज मिल चुके हैं। तो इसे आपको क्या करना होगा, ऐसे पकड़ना होगा, एक पीस आपके बॉटम में और एक पीस लेफ्ट में, और ये आला एल्गोरिथम लगाना होगा, इस वाली लेयर को अप और फिर 2 times बैक, फिर इसे नीचे, फिर इसे आगे, ऊपर, आगे, नीचे, राइट। देखिए हमारे जो कि सारे एजेस लग चुके हैं। अब जो लास्ट स्टेप, ये फाइनल स्टेप है, इसमें आपको कॉर्नर्स लगाने, अरेंज करने होंगे, फिर उसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हमारा एक लगा हुआ है, तो इसे जो अब हमारा बना हुआ है उसे लेफ्ट में रखेंगे और फिर ये आला एल्गोरिथम लगाएंगे। ये लेफ्ट में रखना है, आपको ध्यान रखना है, ऊपर, बैक, फिर ये आला ऊपर, फिर बैक, फिर नीचे, ये लाइन बन चुकी है, इसे नीचे, फिर बैक करेंगे इसे, ये भी बन चुका है, इसे नीचे, फिर अंडू कर देंगे। तो देखिए हमारे जो कि
नहीं बना, आप ये इसे आप फिर लेफ्ट में रखेंगे और फिर से वही करेंगे, लाइन बन गई नीचे, इसे भी लेंगे, लाइन बन गई नीचे। देखिए हमारे जो कि सारे के सारे अरेंज हो चुके, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्यूब को बॉटम में लेके आ जाना है येलो फेस को, और फिर जो पीस आपका अनसॉल्व है उसे आपको वही फोर मूव लगाने होंगे। तो मैं लगा देता हूँ जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। 1 2 3 4 सॉरी आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर है, तो इसे अरेंज करने के लिए फिर से वही फोर मूव लगाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए ये पीस लग चुका है। वो आपको क्यूब को रोटेट नहीं करना है, कहाँ पर जो अनसॉल्व पीस है उसे सामने लाना है। तो इसे सामने लाने के बाद फिर हमें वही करना होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं लगा, फिर से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए हमारा 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो इसमें आपको कुछ और केसेस मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको ये एजेस लगाने के टाइम में कैसा केस मिल सकता है, एक पीस यहाँ पे सॉल्व और एक पीस यहाँ पे अरेंज। तो इसमें हम उस तरह नहीं कर पाएंगे, तो इसका इस सिचुएशन में आपको क्यूब को रैंडमली पकड़ना है और फिर आपको प्लस को बिगाड़ देना है और फिर से बनाना है। तो मैं बता देता हूँ बिगाड़े कैसे। इस वाली लेयर को क्लॉकवाइज और फिर 1 2 3 4 और फिर अंडू। देखिए लाइन बनी हुई है, इसे इस तरह पकड़ेंगे और फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 फिर अंडू, लाइन बन चुकी है। फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 फिर अंडू कर देंगे। तो देखिए इसमें हमारे ये दो पीस बन चुके लग चुके। अब अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको क्यूब को रोटेट कर करके देखना होगा। तो इसे हमें कैसे पकड़ना है, एक पीस बॉटम में एक पीस लेफ्ट में, और फिर तो हमने जो पहले प्रोसीजर किया था आपको वही सब फॉलो करना है और क्यूब को सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्पीड में। देखिए थोड़ा लंबा चला था हमारा प्रोसीजर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए 2x2 या पिरामिड्स का, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वो भी बना दूंगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।